केरला के थिरुवनंतपुरम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ के नेदुमंगड़ नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार ने शालीमार होटल से खाना मंगवाया था। खाने के डब्बे को जैसे ही खोला गया तो उसमें सांप की खाल मिली, जिसके बाद तो बवाल मच गया। मामले के सामने आने के बाद परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक को ऑर्डर दिया गया है कि जब तक रेस्टोरेंट की पूरी तरह से साफ सफाई नहीं हो जाती तब तक वो बंद रहेगा। जांच के दौरान होटल के अंदर रखे गए फूड स्टॉक की भी जांच हुई, जिसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस वजह से होटल के मालिक को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शिकायत के चलते रेस्टोरेंट को अच्छे से चेक किया है और उसे अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया है। जांच अधिकारी अर्शिता बशीर ने बताया कि होटल के पास सारे जरूरी कागजात हैं, लेकिन वहां के कर्मचारी बहुत ही खराब हालत में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किचन में ज्यादा रोशनी नहीं थी। इसके बाद होटल मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बचे हुए खाने को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।